देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि जेठ महीने की पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि इस बार हमें कब मिल रही है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या 3 तारीख को हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, सत्यनारायण की कथा करेंगे, स्नान दान का जो नियम है वो 3 को करें 4 को करें, तो बहुत ज़्यादा दुविधा है कि क्या करें कैसे करें, तो सारी दुविधा आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस बार की पूर्णिमा बहुत विशेष पूर्णिमा है। देखिए, वैसे हर बार की पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि होती है, बहुत विशेष होती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर आप कुछ 3 चीज़ें आज बताऊंगी जो कि आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है आपका ये काम कर लेना, और क्या करना है कैसे करना है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज के दिन उनका व्रत भी है जो वट सावित्री व्रत पूर्णिमा को नहीं, कुछ स्थानों पे पूर्णिमा नहीं, सॉरी अमावस्या नहीं, पूर्णिमा पे व्रत किया जाता है। तो जेठ महीने की अमावस्या को जो लोग वट सावित्री व्रत की पूजा नहीं कर पाए हैं, वो चाहे जैसे कि पीरियड्स वगैरह के कारण सूतक पातक था तो आप नहीं कर पाई हैं, तो इस बार पूर्णिमा तिथि को भी आप कर सकती हैं। व्रत आवश्यक नहीं है, यदि आप उस बार व्रत रख चुकी हैं अमावस्या को तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे कि आप फेरी वगैरह नहीं लगा पाई हैं तो इस बार भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए, पूर्णिमा से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और एक एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि इस बार की पूर्णिमा हमें कब मिल रही है, तो इस बार की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 3 जून को सुबह सवेरे 11:16 पर, और 4 जून को कब समाप्त हो रही है तो 9:11 पर। अब ये चीज़ तो आप बिना बताए जान गए, यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो, कि पूर्णिमा का महत्व जो है वो बहुत अधिक होता है उदयातिथि में। लेकिन उनके लिए जो कि व्रतधारी हैं, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनके लिए उगते हुए चंद्र को अर्घ्य देना आवश्यक है। अब 4 तारीख को तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को 9:11 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में व्रतधारी को 3 तारीख को ही व्रत रखना है। अब एक चीज़ और बताऊं, उनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है जो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आप लोग के कहने पे ही 2-3-4 बार से मैं वीडियो को लाइव कर देती हूँ, सत्यनारायण की कथा जब हमारे यहाँ होती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। पूर्णिमा की कथा यदि सत्यनारायण की कथा खुद से करते हैं, ब्राह्मण को बुला के करते हैं, तो आप उदयातिथि वाली पूर्णिमा को कथा किया करें, कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन दुविधा न रखें, यही अच्छी और सच्ची सलाह है आपके लिए। इस बात को आप हमेशा के लिए गांठ बांध लें, कोई कन्फ्यूज़न मत लीजिए आप। पूर्णिमा का जो कथा होता है वो हमेशा उदयातिथि में ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही वो एक घड़ी के बाद ही अगला दिन लग गया हो और पूर्णिमा तिथि आपकी समाप्त हो जाए, लेकिन सूर्योदय काल में यदि पूर्णिमा है तो आप उस दिन उदयातिथि में ही पूर्णिमा का कथा कराया करिए। तो इस बार व्रत 3 तारीख को रखेंगे, और स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 4 तारीख को होगी, सत्यनारायण की कथा भी 4 तारीख को सर्वश्रेष्ठ होगी। बाकी आप 3 को भी, आपकी इच्छा है तो 11 बजे के बाद आप 3 को भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत बातों को घुमा फिरा के कह नहीं पाती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप 4 तारीख को करिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी कराते हैं, और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 2-3-4 बार से मैं लाइव भी कर देती हूँ, भगवान चाहें। और यदि कोई रहा, देखिए इस समय तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चा है तो वो कर देता है लाइव, क्योंकि मैं तो पूजा वगैरह में व्यस्त रहती हूँ, तो जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं तब तक आप लोगों को कथा लाइव सुनने को मिलेगा। तो पूर्णिमा के दिन 4 तारीख को लगभग 9-10 बजे करीब मैं कथा इस बार भी आप लोगों को लाइव सुनवाऊंगी, आप चाहें तो देखकर अपने घर की पूजा कर सकते हैं, और कथा तो आप अवश्य ही सुन लीजिएगा, ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई कथा और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आप लोग भूलिएगा मत, चेक करते रहिएगा, लाइव आप लोगों को कथा भी सुनने को मिलेगी। चलिए, अब एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन करना है, सत्यनारायण की कथा हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कारण से वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाए, फेरी वगैरह नहीं लगा पाए हैं, व्रत आपका पूर्ण हो चुका है अमावस्या पे, तो इस बार आपका मन था कि आप पूजा नहीं कर पाए, मन था तो आप इस बार भी वट पूर्णिमा की पूजा आप 3 तारीख या फिर 4 तारीख, वैसे 3 तारीख को तो समय काफ़ी हो जाएगा, आप 4 तारीख को चाहें तो वट पूर्णिमा की पूजा सुबह सवेरे 9 बजे तक कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी हो गई। अब अगली चीज़ देख लेते हैं कि स्नान दान की पूर्णिमा हमारी 4 तारीख को पड़ रही है, तो क्या करना है। देखिए, इस बार पीपल पूजा मत करिएगा, क्योंकि आप चाहें तो शनिवार के दिन शाम को पीपल पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार 3 तारीख को आपकी पूर्णिमा शुरू हो रही है 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप पीपल पूजा नहीं कर सकते। हाँ, शाम को दीप दान वगैरह कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई जल वल चढ़ाना ये सब मत करिएगा पूर्णिमा में, क्योंकि शाम को जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है पीपल में।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शाम को कोई भी जल चढ़ाने का मतलब नहीं होता है। तो शाम को दीपक प्रज्वलित करिएगा, एक तो शनिवार है और दूसरा पूर्णिमा है, ये कर लीजिएगा। और 4 तारीख को स्नान दान में क्या करना है वो बताती हूँ। पीपल पूजा मत करिएगा, बार बार आपको समझा रही हूँ कि पीपल पूजा मत करिएगा, क्योंकि आज रविवार है तो पूर्णिमा का दिन महत्व नहीं है, क्योंकि पीपल में सच में दरिद्रा का वास होता है। कई लोग, जैसे कि मेरी फ़ोन पे बात भी होती है और उसके बाद वो लोग, मतलब उन लोगों का भी एक्सपीरियंस है, वो लोग बताते हैं कि दीदी हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और हमने एक बार गलती से रविवार को पीपल में जल चढ़ाया और ऐसा ऐसा हमारे साथ होने लगा। तो देखिए, जो लोग मुझसे बात करते हैं तो वो तो अलग हो गई, क्योंकि वो बातों पे विश्वास करते हैं। और आप लोगों को बिल्कुल आराम से ये चीज़ें मैं बताती हूँ, तो कोई वीडियो स्किप करता है, कोई नहीं सुनता है, तो चलिए सब आपके भाग्य की और हमारे भाग्य की बात है। आप सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम बनता है, नहीं सुनते हैं तो हरी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। मेरी बात सुनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन लेते हैं तो आपको बिना कुछ किए, जैसे मुझसे जो लोग बात करते हैं पर्सनल रूप से अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं, आपको फ्री में ये बातें मैं बताती हूँ, निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुना करिए, संडे को पीपल पूजा मत करिएगा। अब अगली चीज़ है कि स्नान दान में क्या करिए। देखिए, अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो कथा से पूर्व आप स्नान करते होंगे, स्नान कर लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल स्नान के पानी में डाल लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि सीधा दान करिए, सीधा में चावल दाल आटा और थोड़ा सा कुछ सब्जी ले लीजिए और जितनी आपकी व्यवस्था है 11 रुपये 21 रुपये आप उस पर रख दीजिए। ये किसी भी धार्मिक स्थान पे आप दान कर दीजिए। देखिए, पूर्णिमा का दान हर परिवार घर घर से अवश्य निकलना चाहिए, गांठ बांध लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो न बना पाऊँ तो आपके घर से दान न निकले। देखिए, न बना पाऊँ का मतलब कि बहुत सारे फ़ोन आए हैं, इधर 4-5 दिन से मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी, आप लोग को मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि आपका मन हो ना हो, लेकिन परिवार में बच्चे हैं या आपको फिर कोई है तो आपको जाना आना पड़ता ही है। तो मैं लगभग आप लोगों को वीडियो दे नहीं पा रही थी, तो उसमें आपका प्रदोष भी निकल गया। बहुत सारे लोग बोले कि दीदी आप क्यों नहीं वीडियो आ रही, तो बस यही एक कारण था कि मैं घर पे थी नहीं, और बाहर में आप जानते हैं जब बाहर में आप निकल जाइए तो उतनी सारी व्यवस्थाएँ होती नहीं है कि आप वीडियो प्रिपेयर कर सकें, तो बस यही कारण था। तो मैं कभी वीडियो ना भी बना पाऊँ तो आप लोग समझिएगा आपके घर से पूर्णिमा का दान अवश्य निकलना चाहिए। तो दान में अगर आप सीधा भी किसी को नहीं दे सकते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो 10 रुपये निकालिए, सब मिलाकर 1 रुपये का सिक्का निकालिए, निकालिएगा ज़रूर। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है कि स्नान हो गया, दान हो गया, घर में सत्यनारायण की कथा खुद करिए, करा लीजिए, नहीं करा पाते हैं तो भगवान विष्णु की छोटी मोटी जो भी पूजा होती है वो कर लीजिएगा, साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि अब आपकी पूजा हो गई, आपका पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, आज के दिन जो है गंगा जल डाल करके आप लोग ज़रूर नहाइएगा। मानती हूँ गंगा स्नान करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आप तो ये भी सुने हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं जा सकते हम, मजबूरी है, कोई बात नहीं, गंगा जल हर व्यक्ति के घर में होता है, थोड़ा सा डालिएगा आपने बाल्टी में, गंगा माँ का ध्यान करिएगा, माता बहुत कृपालु बहुत दयालु हैं, वो निश्चित रूप से आपकी जल की बाल्टी में ही आकर आपके दुख पाप तकलीफ़ों को धुल देंगी, ये काम कर लीजिएगा। अब चलिए अगली चीज़ बता देती हूँ, जो 3 काम हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर सुहागिन महिला को भी ध्यान देना है और जो भी महिलाएं उनको ज़रूर ध्यान देना है। मेरा विशेष जोर होता है हम महिलाओं पे ही, क्योंकि हमारा मतलब एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। तो चलिए अब हम वो बात कर लेते हैं जो हर महिला को, सुहागिन महिला अपने सुहाग में वृद्धि के लिए या फिर जो भी महिला है अपने घर के सुख समृद्धि, बच्चों के, पति के, परिवार के सुख समृद्धि के लिए अवश्य करिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे मुझसे कुंडली दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को बस सुना करिए, आपको कोई पर्सनल मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बातों को एक मतलब क्रमशः ध्यान दीजिएगा, विश्वास से इतना कह रही हूँ, तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी किसी तरह की बहुत तकलीफ है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके ग्रहों की पोजिशन या कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन मैं उस तरह की चीज़ें आपको बताती हूँ कि बस उसको क्रमशः देख कर धीरे 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 साल 6 महीने जुड़ करके एक एक वीडियो को देख कर यदि आप चलते जाते हैं तो विश्वास से कहिए, मेरी ही नहीं किसी भी ज्योतिष की ज़रूरत आपको नहीं आने वाली है। ये सब हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या और ध्यान देना है। पहली चीज़, हर बार बताती हूँ फिर बता रही हूँ, सुहागिन महिला है, संडे का दिन है तो कोई ऐसा बड़ा काम करके बाल मत धोने बैठिएगा, आज मत धोइएगा। सैटरडे को तो सभी जानते हैं लेकिन संडे है, बहुत दोष होता है, कहा जाता है जितने बाल निकलते हैं उतने पति और पुत्र को तकलीफ होती है, तो ये काम आपको नहीं करना है। येलो वाला जो पीला वाला सिंदूर होता है वो भी आपको नहीं लगाना है।
प्रयास करना है कि पूर्णिमा के दिन कोई भी याचक हमारे घर पे आता है उसको दे देना है। कहा आपने भी सुना है ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो किसी ने किस जो भी आ जाता है मांगने वाला, थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास व्यवस्था है वो दे देना है। अब अगली चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है, क्या कर लेना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए आज हर महिला को क्या करना है। घर में यदि चांदी का सिक्का है तो ले लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। नहीं होगा बहुत लोगों के घर में, कोई बात नहीं, आप साधारण 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, गंगा जल से उसको साफ कर लीजिए। सिक्के को रखिए किसी प्लेट में, चांदी की स्टील की जो भी प्लेट हमारे पास है उसमें हम रख देंगे। उस प्लेट पे हम सिक्का रख देंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, और उस सिक्के पे हम श्री सूक्तम का पाठ करते हुए सुबह में या शाम में, 4 तारीख को कभी भी कर सकते हैं, उदयातिथि की श्रेष्ठ पूर्णिमा है तो 4 तारीख संडे के दिन आपको करना है। श्री सूक्तम का ओम हिरण्यवडाम हरिणिम स्वरजस्तजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह ऐसे बोलते हुए एक जब श्लोक पूरा होता है तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत मिलाकर एक जगह रख लीजिए। ध्यान से सुनिए, बाद में आप लोग के कमेंट आएंगे दीदी क्या करना है। तो हल्दी कुमकुम अक्षत मिला लीजिए और श्री सूक्तम के जो होते हैं एक जब 2 लाइन एक साथ लिखी रहती है, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने की, तो जब दोनों लाइन एक बार बोल लीजिए तो आप उसको एक बार उस जो सिक्के के आपने धोकर रखा है उस पर एक बार गिरा दीजिए हल्दी कुमकुम अक्षत। फिर इस तरह जब आपका श्री सूक्तम खत्म हो जाए तो उस पर जैसे 2 लाइन आप पढ़ लिए तो फिर एक बार हाथ से जैसे आप होम हवन करते हैं उठा करके एक बार सिक्के पे गिरा दीजिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान आपको करते हुए ये काम कर लेना है। अब ये काम अगर आप बहुत अधिक कर्ज में हैं, विश्वास मानिएगा मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मुझसे पर्सनल रूप से बात करें, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आज के दिन से शुरू करिएगा और करके आप चाहें तो इस काम को आप लगातार कर सकते हैं। एक बार आप श्री सूक्तम का पाठ करिए, 3 बार करते हुए वैसा करिए, लेकिन एक बार कम से कम आवश्यक है। प्रतिदिन कर सकते हैं, शुक्रवार शुक्रवार कर सकते हैं, पूर्णिमा पूर्णिमा करते हैं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मिठास आएगी। जितना अधिक आप करते हुए ये काम करेंगे, देखिए ये कुमकुमार्चन बोला जाता है, ये कौन सी पूजा है तो ये कुमकुमार्चन बोला जाता है। ये सिक्के को वैसे ही द्रव्य को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब आप अपने घर के मंदिर में रखे रहिए और प्रतिदिन आप एक बार करिएगा। पति को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पति को नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय दुकान अच्छी नहीं चल रही है, आपके काम में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप इस सिक्के को बस रखे रहिए, प्रतिदिन आप ऐसा करिए, नहीं तो शुक्रवार शुक्रवार करिए, मतलब जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ होगा। प्रतिदिन करते हैं तो आप चमत्कार 40-45 दिनों में देखकर हैरान रह जाएंगे, लगभग 1.25 महीने में। तो ये सब काम कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, यदि कोई ज़रूरतमंद है तो आप इसको अपनी मदद मान करके आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दूसरों को लाभ मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ आपको भगवान की कृपा से अवश्य मिलेगा। अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलती हूँ और वीडियो में, धन्यवाद।